सब लोग, वेलकम बैक टू कायो टेल्स। मुझे याद है एक फॉल सीजन में जब मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया था, तब मैं आपको लेकर गई थी योसेमिटी नेशनल पार्क में, और बहुत ही खूबसूरत फॉल सीजन था। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ स्मोकी माउंटेन्स में, जो कि है जॉर्जिया में, और बहुत ही खूबसूरत उसी तरीके का यहाँ पर वेदर है और बहुत सुंदर फॉल कलर्स हैं ट्रीज़ में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा अब तक तो कि मुझे कितना पसंद है इस तरह के का प्लेसेस जहाँ पे बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हो, डिफरेंट कलर्ड लीव्स हो, नेचुरल एनवायरनमेंट हो। बहुत प्यारा सा मौसम है, हल्की हल्की ठंडी भी है, थोड़ा फॉगी भी था मॉर्निंग में जब हम लोग आ रहे थे। एकदम 3-4 बजे हम लोग उठे थे, क्योंकि हम जहाँ पर रुके थे वहाँ से कुछ 3-4 आवर्स की जर्नी थी, तो रात में 4 बजे उठ गए थे, आई थिंक सुबह 4 बजे बोलना चाहिए उठ गए थे। और अभी बस यहाँ पर विजिटर सेंटर पे पहुँचे हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे, कुछ छोटी हाइक करेंगे, जो भी फेमस प्लेसेस हैं। देखिए पीछे मेरे विजिटर सेंटर है, तो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत डेफिनेटली दिखाऊँगी जो भी हम लोग करेंगे। हमने कुछ रास्ते में से ऐसे ही ब्रेकफास्ट लिया था, बस अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं। कलर्स देखिए आप, स्पेशली ये वाला ट्री। मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये है अंदर विजिटर सेंटर के, यहाँ पे आप फ्रंट डेस्क पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी अच्छी, जिसकी वजह से हम सेलेक्ट कर पाए थे कि हम एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, कौन सी इजी हाइक्स हैं, ये सब। यहाँ पे दिविज कर रहा है नेशनल पार्क के पासपोर्ट में स्टैम्प करने की प्रैक्टिस, विच अ लॉट ऑफ यू माइट नो कि हर नेशनल पार्क में एक पासपोर्ट मिलता है, और आप जिस भी नेशनल पार्क में जाएँ वहाँ पर आप स्टैम्पिंग कर सकते हैं कि आप कब गए थे, कितनी बार गए थे एंड ऑल दैट। यहाँ से जस्ट विजिटर सेंटर के पीछे एक रिवर ट्रेल जाता है, जिस पर हम लोग थोड़ा सा आगे गए थे क्योंकि कुछ कुछ एनिमल्स थे वहाँ पर, बहुत अच्छी साइट सीइंग थी, बहुत अच्छे कलर्स आ रहे थे, तो हमने थोड़ा फ़ोटोशूट किया और थोड़ा सा वॉक किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ वाला बहुत प्यारा सा वेदर था, हल्की हल्की ठंडी थी। और उसके बाद हम लोग वापस और ऊपर आगे जाते हैं, बट हमने यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था टू हैव दैट इनिशियल नाइस फील। अच्छा, for sharing this Divij. दिविज ने स्नो फाइंड किया है फॉल में। कहाँ से स्नो आया? कंगा है क्या? बहुत ही सुंदर सीनिक ड्राइव के बाद मैंने आपको बीच में भी कुछ कुछ सीनिक व्यूज़ दिखाए, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं क्लिंगमैन्स डोम देखने के लिए। उसके लिए 0.5 माइल की हाइक है, जो कि अच्छी चढ़ाई लग रही है, लेकिन अच्छा वेदर है। अभी थोड़ा अच्छा सनी हो गया है, इट्स नॉट टू कोल्ड, तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ कैसा व्यू आता है वहाँ से। यहाँ की हाइक्स में मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आपको हर एज ग्रुप हाइक करता हुआ मिलेगा, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उठाते हुए ऊपर लेकर जाते हैं। ये देखिए हम पहुँच गए हैं उस टावर पर जहाँ से हम ये सर्कुलर मोशन से ऊपर जाएंगे और पूरा एक्चुअली व्यू देखेंगे।
बहुत ही ज़्यादा स्टीप हाइट थी, 0.5 miles, मुझे तो 5 kilometers जैसा लगता था और दिविज भी नहीं चढ़ना चाहता था, तो इट वॉज़ अ टास्क फॉर अस, लेकिन ऑलमोस्ट देयर. बहुत नीचे से ऊपर आके जब आप इतना हरा भरा देखते हो तो यू फील लाइक ओके नॉट बैड. सॉरी, बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो जस्ट अ व्यू विद माय फेस. तो हम लोग आ गए हैं नीचे क्लिंग मैंस डोम से और काफ़ी अच्छा था, लेकिन शायद मुझे थकान ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो आई डोंट थिंक सो मैं उतना इन्जॉय कर पाई ऊपर. लेकिन नीचे आते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यू नो हाउ वो एकदम स्लोपी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है. तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे और दिविज रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है. यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक है तो वो उसके ऊपर चल रहा है. उसे बहुत मन था स्टार्टिंग में, इनफैक्ट उसे इसीलिए सैड हो गया था क्योंकि हमें थोड़ा रिस्की लग रहा था, लेकिन उसे जाना था ऊपर. ये देखिए इधर कहीं तो ऊपर है वो, नीचे से ऊपर चढ़ गया वो. आज मंडे है लेकिन अक्टूबर एंड जुलाई उन्होंने कहा कि बहुत पीक सीजन्स रहते हैं, तो मंडे को भी इतना ट्रैफिक है इस नेशनल पार्क में. बट डेफिनेटली बनता है किसी का भी आना, जो फॉल कलर्स हैं, जो वेदर है, जो व्यूज़ हैं, जो फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क इतने ही ब्यूटीफुल हैं, बट ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर, काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है. हमारा नेक्स्ट स्टॉप है न्यू फाउंड गैप ओवरलुक और यहाँ पर भी बहुत भीड़ है और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है पूरे फॉल ट्रीज का, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो. बहुत छोटा सा लाइक एक पॉइंट है जहाँ पे आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं लाइक 5-10 minutes के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फॉल ट्रीज देख सकते हैं. सो इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू हियर. एक और सीनिक स्पॉट पे रुके हैं बीच में, जहाँ पे इतनी सारी लेडी बग्स हैं उड़ उड़ के हमारे कपड़ों पर आ रही है. सॉरी फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, बट लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू. व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग व्यू.
Look at the fall colors. ये लेडीबग्स फाइंड कर रहा है. हाँ जी, तो अब हम आ गए एक्चुअली गैटलिनबर्ग सिटी में और ये है एक्चुअली में टेनेसी स्टेट में. और जो ये पूरा बड़ा नेशनल पार्क है एक्चुअली में दो स्टेट में डिवाइडेड है, लाइक देयर इज़ अ बॉर्डर इन बिटवीन. तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं लंच करने और यहाँ पर है स्काई राइड और बहुत ही हैपनिंग सी सिटी है, बिल्कुल टूरिस्ट और बहुत सारे शॉप्स, ईटिंग प्लेसेस. आई होप हमें कुछ वेजिटेरियन मिल जाए बस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है अगर हम बेरिया से बाहर आते हैं तो. बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. सो आई जस्ट शो यू अराउंड अ लिटिल बिट, ये कैसी हैपनिंग से सिटी है. ये वॉक करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है हमें. बहुत ट्रैफिक है, पार्किंग की भी एज सच कोई स्पेस नहीं है, अलग से पार्किंग लॉट्स बना रखे हैं विच आर लाइक वेरी प्राइसी, बट कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखा है. बट नेशनल पार्क के अंदर ही एक्चुअली ये सिटी है विच इज सो एक्साइटिंग. ये देखिए उधर एक स्काई राइड है जो होपफुली हम थोड़ी देर में जाएंगे उसके अंदर भी. हमने कर लिया है लंच, हमें मिल गया था कुछ लाइक वीगन वेजिटेरियन पिज्ज़ा. सो अभी हम लोग आए हैं गैटलिनबर्ग के स्काई पार्क में. जो मैं आपको स्काई ब्रिज दिखाई थी वहाँ पर मैं उसकी लाइन में लगी हूँ. हम लेंगे टिकट्स और हम जाएंगे एकदम ऊपर. तो आप मेरे साथ रहिए और देखिए कैसा लगता है. हम लोग बैठ गए स्काई राइड में और एकदम इतना क्विकली होता है ना ये, क्योंकि दिस जस्ट कीप्स मूविंग. दिविज हाउ वाज इट दिविज, कैसा था? वाज इट फास्ट और स्लो? फास्ट या अभी जा रहे हैं और हम वहां टॉप पे जाएंगे. दिविज देखो अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है. दिविज गो एट द टॉप, कीप सिटिंग. कलर दिख रहे हैं क्या फॉल के? सब ट्रीज. कौन से कलर दिखते हैं आपको? कलर कितने सारे कलर दिख रहे हैं. वो रिवर जा रही है. वाह, वाह, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, इन दोनों को मजा आ रहा है. मुझे ना स्केयर डर अब लग रहा है आपको भी या मेरा देख के बोल रहे हो? आ गए हैं हम ऊपर, अभी हम उतरेंगे फटाफट. और यहाँ पर भी सुंदर सुंदर नजारा है. Unload here. Alright. Yes. Go ahead. लेक ताहो में भी इस तरह का एक बड़ा सा चेयर था. You're 3 years tall for 3, but your daddy's very tall, right? Yep. Okay, well you have a good time. Are you going across the bridge? It's 34. He's 34? Okay, that's good. Okay, and guess what? I'm 65. Not 66 yet. 65. I'm a nana. Hellos.
आई थिंक अभी सुबह से लेकर अभी तक मुझे जो एक्चुअली बेस्ट राइड लगी है, बेस्ट व्यू लगा है, वो ये लगा है, लुक एट दिस ब्रिज एंड दैट वाटरफॉल एंड दिस होल एरिया बहुत ही खूबसूरत है. Let's go on the bridge. Let's go on the bridge, right? Gatlinburg Sky Bridge. Let's go. There's gone. Can you wait for us, please? Woohoo! Look at the colors. Do you guys see now? जितना रियलिटी में दिख रहा है उतना मुझे नहीं लगता है कि इस पे आ रहा है. विबल वाबल हो रहा है क्या? सब लोग चलते हैं तो थोड़ा तो हिलता ही है, एकदम रिस्की लग रहा है. यस एंड लुक एट द फॉल. वाओ लव द सनलाइट. गैटलिनबर्ग सिटी व्यू. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. I love it. Over to the bridge. I'm walking on the bridge. I'm walking on the bridge. I think वहाँ पे कुछ और भी है, कुछ ग्लास लगा हुआ है. Oh my goodness. Oh my goodness. David. Can you see? पापा को डर लग रहा है. The glass view. इतना मूव कर रहा है ये ब्रिज. कितने लोग अलाउड है इस पे? दिवस तो नीचे बैठ के देख रहा है. So brave. Mama. ये आ गए हम एकदम ऊपर ब्रिज क्रॉस करके. ये पूरा गैटलिनबर्ग सिटी है. एंड हियर वी आर. हमने इनिशियली कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी जिसके प्रिंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर. और इधर से आई थिंक एक और ट्रेल जाती है. तो यू हैव टू ऑप्शन, या तो आप ट्रेल से होकर वहाँ तक वापस पहुँचिए या फिर आप वापस ब्रिज से भी जा सकते हैं. वी आर स्टिल डिसाइडिंग कि हम क्या करेंगे. तो हमने डिसाइड करा है कि हम ब्रिज से ही वापस जा रहे हैं. एक्चुअली दिव्य ने डिसाइड करा है कि हम लोग ब्रिज से ही वापस जा रहे हैं. इसलिए मैं आपको हाँ जी हाँ इतनी देर चलते हैं तो लगता है ना. ये इधर की तरफ है ट्रेल जिससे वॉक करके भी आप इजीली जा सकते हैं. आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, इस पे बस थोड़ा डर लग सकता है. तो इट डिपेंड्स आपको कहाँ से जाना है. बट इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू, ब्यूटिफुल वेदर. हेलो हाय. अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे, होपफुली टू सी सम पैरट्स. बाय फ्रॉम हियर. अब हम जा रहे हैं नेशनल पार्क के थोड़ा दूसरी तरफ पैरट्स देखने. तो आप मुझसे मिलिएगा जरूर दूसरे वीडियो में. इसमें बने रहने के लिए थैंक यू सो मच.